परमारतम श्री गुरुदेव नित्यला पृष्ठ विष्णुपाठ सत्य श्री भक्त श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य श्री श्रीमद भक्ति विदान श्री तीर्थ महाराज जी का 2020 में बहुत ही जल्दी श्री गुरुदेव ने उनको बुला लिया, नित्य लीला में प्रवेश उन्होंने किया और सभी भक्तों को कातर विरह भाव में डालते हुए चले गए। और पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी श्री गुरुदेव के प्रिय थे, दो कारणों से सारा बंगाल का प्रचार पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी ने संभाला लगभग 30-35 साल। और श्री नवद्वीप और कार्तिक परिक्रमा पूरा दायित्व तीर्थ महाराज जी ने निभाया। श्री गुरुदेव तीर्थ महाराज जी को देकर के वे प्रचार प्रचार कार्य में व्यस्त रहते थे। तीर्थ महाराज जी ने लास्ट मिनट तक को निभाया और बखूबी बहुत ही सुंदर रीति से निभाया। यहाँ तक भी स्वयं अपना सारा खर्चा जो है, मतलब परिक्रमा का जो भिक्षा से जो मिला सब कुछ उसमें लगा देते थे। वो आगे पीछे का कुछ देखते भी नहीं थे। और विशेष बात ये है कि इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट के लगभग 9 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं और उनके नेतृत्व में जो है संस्था श्री गुरुदेव की समाधि मंदिर जो बगल में है और पूरा मंदिर और ये बहुत कुछ डेवलपमेंट किया गया। और पूज्यपाद महाराज जी के गए हुए 4 साल बीत गया है और महाराज जी के लिए भव्य सुंदर समाधि मंदिर प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही सुंदर है, हम आपको दिखाएंगे अभी। विशेष करके तीर्थ महाराज जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, कलकत्ता के एक बहुत बड़े प्रिय शिष्य हैं, बड़े दीनहीन भाव से वो रहते हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो मैं ज़रूर ले लेता। तो उन्होंने तो केवल वे अकेले ही पूरी समाधि का जो खर्चा है, सेवा है, बार लिया, मतलब पैसा भी लगाया और इसको बनाया भी खुद ने। तो इस प्रकार से केवल ये माँ दीदी जो हैं ये समाधि के लिए 1,00,000 रुपये दिया था प्रारंभ में, किंतु वे भी मतलब गुरुदेव ने उनको भी बुला लिया, वे भी प्रकट लीला में वो चली गई, किंतु इन्होंने वे अकेले ही पूरी समाधि को इन्होंने बनाया। तो विशेष करके श्री गुरुदेव और पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी जो हैं ये भक्त पर विशेष कृपा आशीर्वाद करें और इनके साथ जिन जिन लोगों ने साथ दिया जो भी है, मैं सबका नाम नहीं लूँगा, जो जो लोगों ने साथ दिया उन सबको भी जो है वे कृपा आशीर्वाद करें। तो ये भव्य सुंदर समाधि मंदिर प्रस्तुत हो गया है और 19th को केवल 4 दिन में इसका ये उद्घाटन होगा। सभी लोगों को निमंत्रण है, सभी लोग सुबह संकल्प के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे तो विराट वैष्णव होम आदि होगा और वैष्णव लोग पहुँचेंगे, वैष्णव सभा होगी और महाभिषेक भी यदि है तो होगा। तो इस प्रकार से जो है ये विराट श्री तीर्थ महाराज जी के समाधि का ये उद्घाटन जो है ये कार्यक्रम होगा सबके लिए, फिर भंडारा वैष्णव प्रसाद सब कुछ होगा। तो सभी लोगों को निमंत्रण है, आप लोग टिकट नहीं बनाए हैं बना लीजिएगा और ये दिव्य तिथि में आप लोग भी भाग लें। मुझे पास भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी की जय। श्री इंटरनेशनल गौड़ीय वेदांत ट्रस्ट IGBT भूतपूर्व प्रेसिडेंट की जय। परमारतम गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। चलिए हम दिखाते हैं आपको समाधि मंदिर।